फॉर इंग्लिश लर्निंग आज जो मैं वीडियो आप लोगों के पास लेकर आया हूँ इट इज अबाउट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री दैट इज सलेट दोस्तों इस वीडियो के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट

जो कुछ तो आप लोगों को जो भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं इन इवन इन देयर वेरी फर्स्ट ईयर दे कम टू लर्न अबाउट सोनेट लेकिन हम थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल पर भी देखेंगे और साथ ही में जो इसकी वेराइटीज़ हैं उन सब पर हम चर्चा करेंगे थोड़े डिटेल में तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो और सबसे पहले हम देखते हैं कि सोनेट इसका बैकग्राउंड तो मैंने जैसे आपको बताया इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग पोइट्री देखिए पोइट्री की जो फॉर्म्स हैं उनको हम बेसिकली दो तरह की फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं एक होती है ओपन फॉर्म ओपन फॉर्म वो होती है इट डिपेंड्स अपॉन द पॉइट वो क्या राइम स्कीम यूज करना चाहता है चाहती है किस तरह के नंबर ऑफ लाइंस का कुछ नहीं है मीटर दिस इज ऑल द चॉइस ऑफ द पॉइट लेकिन उसके अपोजिट एक होती है प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ पॉइट्री दोस्तों ये जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ पोइट्री है इसको हम क्लोज फॉर्म ऑफ पोइट्री बोलते हैं इसके अंदर रूल्स आर सेट देर इज न आइदर फॉर्म वाइज के इसी तरह से फॉर्म होगी नंबर ऑफ लाइन्स ये तय होती है सो वी नो दैट सोनेट इज अ क्लोज फॉर्म क्योंकि इसका जो शेप है मीन्स किस तरह से ये रहेगा इसमें कौन सा मीटर यूज होगा इसमें कौन सा पर्टिकुलर रिदम यूज होगा इसके अंदर नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी इट इज़ ऑलरेडी प्री डेटरमाइंड इट इज नॉट ऑन द चॉइस ऑफ द पॉइंट ये पॉइंट की चॉइस के ऊपर नहीं है सो so, जो सोनेट फॉर्म को लिखना अगर आपको है किसी भी राइटर को लिखना है ही और शी मस्ट फॉलो दीज बेसिक रूल्स तो इस पर्टिकुलर क्लोज फॉर्मेट की बात करें तो सोनेट इज आई थिंक द ओल्डेस्ट form of poetry in uh, coming from Europe. Modern version में I am saying modern version क्योंकि जब हम इसकी history देखेंगे तब हम समझ जाएंगे Modern version में sonnet के अंदर number of lines fixed है Most of you must know that 14 lines, 14 line के अंदर लिखा जाता है Meter भी fixed है iambic pentameter it was not always the case jab sonnet begin hua it was not written in

ओरिजिन कैसे हुआ तो दोस्तों सोनेट का जो ओरिजिन माना जाता है वो सदन इटली और राउंड अबाउट थर्टीन सेंचुरी के आसपास इसका ओरिजिन माना जाता है आ, उस समय सदन इटली और खासकर सिसली जो इटली का एक रीजन एरिया था वहाँ के किंग थे फ्रेडरिक सेकंड। उनके कोर्ट के अंदर इट फेवर्ड इट सपोर्टेड पॉइट्स और गियाकामो

मोल्ड करा उसको उन्होंने अपन ये कह सकते हैं मॉडिफाइड करा और एक कोर्टियर बनाई उन्होंने जो कैन बी प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ अ रॉयल कोर्ट तो को ये क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने इस पर्टिकुलर फॉर्म को इस तरह से मॉडिफाइड किया ही वॉज अ लीगल डेपटी एंड ऑल्सो अपॉइट कोर्ट और उन्होंने ही सबसे पहले फर्स्ट सोनेट्स जिनको जिस फॉर्म में आज हम जानते हैं उसका प्रोटोटाइप उसका फर्स्ट मेजर जो फॉर्मेट था इनके द्वारा डिजाइन किया गया था और अगर हम इस टर्म को देखें तो सानेट जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक न्यू वर्ड था लगता है एक्चुअली में इट इज़ अ वेरी सिंपल टर्म इट इज इट कम्स फ्रॉम इटालियन जहाँ से इसका uh, हम कह सकते हैं ओरिजिन हुआ तो ऑब्वियसली सानो सनेतो मींस अ लिटिल साउंड

फॉर्म हुआ करती थी सदन इटली के अंदर पीजेंट्स उसको यूज़ किया करते थे अपने एक्सपीरियंसेस को बताने के लिए एट लाइन की ये पॉइम हुआ करती थी और जो लाइन थी वो इलेवन सिलेबल लाइंस हुआ करती थी और राइम जो थी वो इस तरह से दो पार्ट में होती थी ए बी ए बी ए बी ए बी ऑल्टरनेटिव राइम के अंदर ये लिखा जाता था इट वाज क्वाइट पॉपुलर वेन ही डिस्कवर्ड दिस फॉर्म विच वॉज वेरी पॉपुलर अमंग द पीजेंट ही वट ही डिड ही एडिड सिरमा सिरमा इज अस्टेंजर ऑफ सिक्स लाइन्स तो ऑलरेडी एट इलेवन सिलेबल की लाइन्स थी उसके अंदर लैंतीनो के द्वारा एक सिरमा को एड कर दिया गया इसके रस्टिक टच को कोर्टियर मोड के अंदर चेंज कर दिया गया

डेका डेका सिलेबिक सिलेबिक मीन्स टेन सिलेबल बट एडिंग हैंड मीन्स इलेवन सिलेबल्स सो ओरिजिनली सोनेट वर रिटर्न इन लाइन्स ऑफ इलेवन सिलेबल्स सब डिवाइडेड इन टू एन ऑक्टिव दैट इज जो बोतो फॉर्म से लिया गया था एंड अस्टेंस ऑफ सिक्स लाइन जो सिरमा फॉर्मेट से लिया गया था बाई द एंड ऑफ दर्टीन सेंचुरी इट कॉट इमेजिनेशन ऑफ द पॉइट्स ये बहुत पॉपुलर होने लगा एंड थाउजेंड सनेट्स वर रिटर्न एंड कंपोज बायतीनी एंड हिज अदर कंटेम्प्रेरीज तो ये इसकी बिगनिंग थी बिकॉज ऑफ इट्स वेरी परफेक्ट फॉर्म

लेंथिनो एंड हज फ्रेंड्स गेव सोनेट एट द कोर्टली एंड एबस्ट्रेक्टेड वॉइस ऑफ लर्नेड प्लीडिंग जो मैं आपको बात बता रहा हूँ स्त्रैम बोथ फॉर्म एक रस्टिंग रस्टिक फॉर्म थी मतलब पीजेंट्स फोक सॉन्ग्स को उसमें कंपोज किया करते थे लेकिन लैंतनो ने इसको एक कोर्टली एक अर्बन आ, इसको फ्लेवर दिया और इसके अंदर दे यूज टू रीजन विद देयर

इंस्ट्रूमेंट उसके बाद मैंने जैसे बताया कि इसके अंदर एक रिक्वायरमेंट भी सेट करी क्योंकि एक डिवीजन स्पेशल था ऑक्टिव और सेस्टेट के बीच में तो वहां पर उन्होंने ऐड करा एक रिक्वायरमेंट कि इफ अ पॉइम हैज टू बी सोनेट अगर एक पॉइम को सोनेट होना है इट डज नॉट रिक्वायर ओनली फोर्टीन लाइन एंड डिविजन देयर मस्ट बी चेंज एट द एंड ऑफ द ऑफ द ऑक्टिव जिसको इन्होंने ऑक्टेव को फ्रंट बोला फ्रंट का मतलब जब आप अपना मेन आर्गुमेंट मेन क्वेश्चन प्रॉब्लम प्रेजेंट कर चुके हो देन देयर मस्ट बी अ टर्न ऑफ थॉट ये जो टर्न ऑफ थॉट था इट वाज कॉल्ड वोल्टे देखिए लैंथिनो ने ही अपने समय में डिसाइड कर दिया था कि ये जो फॉर्मेट चल रहा है एट लाइंस का और फिर उसके बाद सिक्स लाइंस का जो डिवीजन है यहां पर बोलते एक टर्न होना चाहिए एंड दिस पॉइंट इट इज कंसिडर द पॉइंट वेयर पॉइंट फोकस जहां जो फोकस है पॉइंट का शिफ्ट या स्पीकर का, स्पीकर का जो पर्सपेक्टिव है वो रिवर्स हो जाता है मीन्स फ्रॉम प्रॉब्लम वी गो टू सॉल्यूशन फ्रॉम आर्ग्यूमेंट वी कम टू द रेजोल्यूशन सो दिस इज इंपॉर्टेंट फीचर विच वॉज डिसाइडेड बायो एंड कंटेम्परे के लिए उसके अंदर के बाद एक होना जरूरी है तो वोल्टे को एक्चुअल में डिफाइन अगर हमें करना हो तो हम क्या कह सकते हैं स्ट्रक्चर वाइज इट इज टर्न स्ट्रक्चर का मतलब कहां पर वोल्टे आएगा एंड ऑफ दिग्निंग ऑफ दस्टेट उनके बीच में जो है वोल्टे करेगा लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज इसका मतलब क्या है द आंसर किसका आंसर द प्रॉब्लम द क्वेश्चन पोज इन पार्ट सो यहां इस कारण ये क्या बन गया ये सोनेटिक ऐसा फॉर्म बन गया जिसके अंदर ऑक्टिव पार्ट एक प्रॉब्लम प्रेजेंट करता है या फिर एक क्वेश्चन पोज करता है और सेस्टेड पार्ट उसका रिप्लाई करता है सो इट्स अ काइंड ऑफ ए ड्रामेटिक फॉर्म हालांकि कहने के लिए ये एक डिस्क्रिप्टिव एक रिफ्लेक्टिव फॉर्म हो सकता है बिकॉज ऑफ इट्स क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट इट इज लाइक से सोनेट जो था इट बिकम वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग दैट टाइम नॉट ओनली इन द होल ऑफ द इटली बट इट कैच इट कॉट अप टू अदर कंट्रीज अदर यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो नाउ

एंड देर इज फाइनल सर्किल एक बहुत ही परफेक्ट सर्किल को क्रिएट किया गया इस कॉम्प्लीकेशन के द्वारा इस चेंज के द्वारा एक ऐसा परफेक्ट बैलेंस इस ऑक्टिव पार्ट के अंदर आ गया विच बिकेम ट्रेडिशनल कैसे हमारे उस बड़े राइटर की तरफ जिसने सोनेट को इतना पॉपुलराइज करा कि जब हम आज सोनेट को बिगनिंग में पढ़ते हैं तो पेट्राक के नाम से ही पढ़ते हैं स्टिल नोविस्ती जब थर्टीन सेंचुरी से हम फोर्टीन सेंचुरी की तरफ बढ़ते हैं इटली के अंदर एक लिटरेरी मूवमेंट होता है राइटर्स ऑफ द न्यू स्टाइल दांते इज पार्ट ऑफ दैट दांते द फेमस इटालियन पॉइट और इस ग्रुप को कहा गया स्टिल नोवस्ती नोवस्ती राइटर्स जिन्होंने एक नई अप्रोच यूज करी पोइट्री राइटिंग के अंदर एंड दानते यूज सोनेट्स अब इन्होंने सोनेट्स को एक पर्टिकुलर थीम दी वट इज द थीम आइडियलाइज्ड व्यू ऑफ लव एंड वीमेनहुड ऑलमोस्ट ऑन द लाइन ऑफ

दांती ही इज फेमस दो ही एज रिटर्न मोर पॉपुलर एपिक्स जिसके लिए उनको जाना जाता है बट इफ यू टॉक अबाउट दिस फॉर्म सोनेट तो विथ आ नूओ विथ आ नूओ मीन्स द न्यू लाइफ नूओ इज फॉर न्यू एंड विथ आ इज फॉर लाइफ इट इज हिज ट्वेंटी फाइव सोनेट्स बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा ये जो ट्वेंटी फाइव सोनेट्स हैं इन्होंने अपनी बिलविड लिए लिखें नाउ आफ्टर ईच सोनेट दिस्क्राइब्स एक्सप्लेन द सोनेट इट सेल्फ सो देर इज अ कमेंट्री ऑन द सोनेट एंड ईच सोनेट इज लिंक्ड विद द अदर सोनेट बिकॉज ऑफ दिस कमेंट्री सो इट्स अक्सचर ऑफ पोएट्री एंड प्रोज एंड न ऑल्सो से इट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ये पहला एग्जाम्पल है जिसको हम सोनेट सीक्वेंस कह सकते हैं एलिजाबेन एज के अंदर हम देखेंगे बहुत सारे लिखे गए बट इट वॉज द फर्स्ट एग्जाम्पल जब एक सीक्वेंस बनाया गया क्योंकि ऑल दी सोनेट्स ट्वेंटी फाइव सोनेट्स वेडिकेटेड टू बिट राइस डांस बिलव इड सो वी कैन मैंने आपको बताई दिया कि इट इज अट ऑफ फर्स्ट सीक्वेंस Joined sonnets by uh, critical and autobiographical commentary. Now, coming to that person uh, who single handedly popularized uh, this particular form sonnet Italian poet Francesco Petrarca, 1304, say 1374, and he proved to be the greatest influence for. एटलीस्ट नेक्स्ट टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड ईयर्स जब इनकी लिखी पॉइंस को ट्रांसलेट किया गया कॉपी किया गया इंस्पायर हुआ गया सच वॉज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंग्लिश एंड वर्ल्ड पोइट्री एंड फॉर लव पोट्री ऑफ द होल रेन इज अ पीरियड ना ही कलेक्टेड थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी सिक्स ऑफ हिज वर्नाकुलर पॉइंस वर्नाकुलर रिटर्न इन हिज रीजनल डायलैक्ट जो उनका इटली का जो डायलैक्ट था उसमें उन्होंने कंपोज करी और टाइटल था रेरम वल्गेरियम फ्रेगमेंता और इसको रामम स्पार्स और इस्केटर्ड रेट्राक्स कैंसोनियर पेट्राक्स सॉन्ग बुक इत, अलग अलग नाम दिए गए हैं इन इनके अंदर इन्होंने पब्लिश करा था नो व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग दैट हिज कलेक्शन ऑफ थ्री हंड्रेड एंड सेवनटीन सॉनेट्स they all are based on the most important event of his life he fell in love with uh, this woman laura who was already a married woman so it was a sort of unattainable love wo love jisko achieve nahi kar sakte the usko center mein karte hue to आइडियल क्या बन गया सम अनअटेनेबल ऑब्जेक्ट लव एंड डीप इमोशनल लॉन्गिंग ये जो फॉर्मेट इन्होंने सोनेट का यूज करा, इट वाज़ लेटर ऑन यूज्ड बाय अदर पोइट्स ऑफ़ हिस कंट्री ऑफ़ यूरोपियन कंट्रीज एंड ऑब्वियसली इन इंग्लैंड, स्पेशली बाय स्पेंसर एंड अदर पोइट्स। हिस डेपिक्शन ऑफ़ लॉरा इन हाई टर्म्स, एक्सेसरेटेड मेनरिज्म, बेस्ड ऑन प्लैटोनिक आइडेल It influenced the portrayal of uh, women in literature. It established a particular uh, uh, type of uh, uh, worship, women worship.

टू टर्स मीन ये जो ऑक्टिव फॉर्मेट था जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से इसको बैलेंस किया गया ये दो जैसे मैंने आपको बताई इस तरह से चलती थी दिखने में ये क्वार लगते थे लेकिन बिकॉज ऑफ ए बीबीए तो किस तरह से यहां पर चलते थे कपलेट्स के अंदर चलते थे ब्रेक इन सिंटेक्स एंड थॉट एट आफ्टर वोल्टा होता ही था बिटवीन ऑक्टिव एंड फीचर ऑफ पेट्रार्कियन सोनेट इज द यूज ऑफ कंसीट नाउ वट इज कंसीट वैसे शायद आप लोगों को पता हो इफ असेंबली इज अंपेरिजन कंसीट इज एन एग्जेजरेटेड कंपेरिजन एक इस तरह का कंपैरिजन विच इज़ बियॉन्ड द थॉट ऑफ रैशनैलिटी जब आप बहुत ज़्यादा मतलब यू नीड टू रीच द फार फेच्ड इमेजिनेशन टू फाइंड अ लिंक बिटवीन टू इम्पॉसिबली डिफिकल्ट डिफरेंट थिंग्स इस तरह की बहुत सारी कंसीट्स को यूज किया गया पेट्रार्क में वंस अगेन मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इस पेट्रार्क कंसीट को लेटर मेटाफिजिकल पॉइंट्स के द्वारा आ, उनका आ, उनको मॉक किया गया कि किस तरह से दे सीम्स टू स्यूडो स्टेटमेंट्स और इसकी तो अब बड़ा इंपॉर्टेंट बात है इनिशियल जो आपको नॉलेज चाहिए इसके लिए कि पेट्रार्कियन सोनेट का स्ट्रक्चर कैसे चलता है फोर प्लस फोर तो एक ऑक्टेव बनता है एट लाइंस का मतलब एक क्वाट्र और दूसरा क्वार इसी तरह से थ्री प्लस थ्री सेस्टेड बनता है सिक्स और राइम स्कीम चलती है ए बी बी ए ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई तो देखिए अब आप देखें इस ए से लेकर इस ए के बीच में तीन कपलेट्स हैं एंड दे आर सैंडविच बाय इनिशियल राइम और इसमें भी देखिए ये राइम यहां पर है और सेंटर के अंदर भी है तो एक बिल्कुल सर्कुलर टाइप का एक वेरिएशन चलता है तो दोस्तों ये तो बात हुई इटली की इटली से सोनेट जो था वो पुर्तगाल की तरफ भी गया फ्रांस की तरफ भी गया और ऑब्वियसली सिक्सटीन सेंचुरी के आते आते इंग्लैंड में भी आया सो सिक्सटीन सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ सोनेट सेंचुरी ऑफ सोनेट इसलिए कहा जाता है दोस्तों जैसे आपने एक फेमस फ्रेज भी सुना होगा कि ड्यूरिंग एलिजाबेथन एज इंग्लैंड वॉज द नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स इतने सारे राइटर्स थे देर आर मैनी रीजन्स लिटरेरी रीजन्स सोशल रीजन्स इकोनॉमिक रीजन्स बट बेसिकली इट सीम्स एवरीबॉडी हैज समथिंग टू एंड एबिलिटी टू से इट थ्रू पोइट्री तो ये सेंचुरी ऑफ सोनेट्स है इट इज एस्टिमेटेड दैट इन इटली फ्रांस जर्मनी एंड ब्रिटेन अबाउट टू लैक सोनेट्स ना यू कैन गेट द आइडिया कितना पॉपुलर था ये फॉर्म Two lakh sonnets were composed between 1530 and 1650. Only 120 years. Two lakh sonnets. You can see the fertility, the fecundity of imagination. Kitne Usame Point Imaginative. First introduced in, into English literature in the third decade of the 16th century. It was a happy discovery. देखिए एलिजाबेथन थे दो डिप्लोमैट्स सर टॉमस वाइट एंड हैंनरी हावर्ड देवर ऑन दे आर डिप्लोमैटिक मिशन गोइंग टू वेरियस कंट्रीज नाउ सर टॉमस वाइट वॉज ऑल्सो कीन हैव कीन इंटरेस्ट इन टू लिटरेरी फॉर्म्स जब वो इटली गए पेट्रार्क की जो फेम थी वो अपने पीक पर थी उन्होंने पेट्राकिट को देखा एंड ही ब्रॉट दैट सोनेट फॉर्म इन टू इंग्लैंड ही वॉज बेसिकली कोर्टियर एट द कोर्ट ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड हेनरी एथ और वहां से सोनेट का वोग फैशन इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ ही केम इन टू कॉन्टैक्ट विद इटालियन पोएट्री इन फिफ्टीन टवेंटी लेटर टू इटली वहाँ पर उन्होंने इस फॉर्म को देखा ऑब्जर्व करा ही लाइक डेट और फैशन करा उन्होंने इस सोनेट को ट्रांसलेट भी करा उन्होंने बहुत सारे सोनेट को और खुद अपने भी कंपोज करे. करेरेडी पेटवार स्त्र्बोतो पॉपुलर सॉन्ग फॉर्म दैट कंक्लूडेड कपलेट हमने तो जब ओरिजिनल देखा था ग्याकामो से पहले से पहले एंड लेटर उसमें भी क्या कपलेट लास्ट में एड हो गया था देखिए किस तरह से चीजें इंटरकनेक्ट होती यहां मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा बिकॉज ऑफ पर्टिकुलरिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज राइमिंग वर्ड्स आर नॉट सो फ्रिक्वेंटली फाउंड इंग्लैंड के अंदर राइम को करना इतना ईजी नहीं है जितना कि uh, बाकी जो यूरोपियन लैंग्वेज जैसे इटालियन लैंग्वेज या फ्रेंच लैंग्वेज में इट हैज इट्स लिमिटेशन ये लिमिटेशन रीजन बनी के धीरे धीरे ये जो फॉर्मेट था जिसके अंदर ए बी बी ए, ए बी बी ए सी डी ई सी डी यूज किया जाता था इस फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज किया गया कारण एक ही राइम वाले ए बी बी ए देखिए कितने वर्ड्स आपको ढूंढने हैं ए बी बी ए, ए बी बी ए मींस वन टू थ्री फोर वर्ड्स राइमिंग विद ए वन टू थ्री फोर फोर वर्ड्स विद बी इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी बजाय उनको लगा कि इस राइम को अगर हम अलग फॉर्मेट में तोड़ दें जिसके अंदर अभी हम देखेंगे कैसे उन्होंने वेराइटी ऑफ राइम्स लेकर आ गए ताकि कम वर्ड्स ढूंढने पड़े जो आपस में राइम करते हो तो उसके लिए इस फॉर्मेट को चेंज किया गया हेनरी हार्वर्ड द दर्ड ऑफ सरे ये द दिवाइड इनटू फोर फोर यूनिट्स थ्री बाय अ कपलेट ना लुक एट दिस इट इज दिस मॉडिफिकेशन दैट वॉज लेटर यूज बाय शेक्सपियर एंड मोस्ट ऑफ अदर एलिजाबेथन राइटर्स जिन्होंने अपने सोनेट के अंदर यूज करा बिकॉज इट वॉज इंग्लिश इन्वेंशन इट इज ऑल्सो नोन एज द इंग्लिश सोनेट जैसे उसे पेट्रार्कियन सोनेट या इटालियन सोनेट बोला जाता है इसे इंग्लिश सोनेट एंड बिकॉज ऑफ हैवी यूज एंड पॉपुलराइज बाय शेक्सपियर इसको शेक्सपियरियन सोनेट भी बोला जाता है स्ट्रक्चर और राइम इसका क्या हो गया फोर प्लस फोर प्लस फोर थ्री क्वार्टर ट्वेल्व लाइन और लास्ट में टू अ कपलेट टू लाइंस अब देखिए राइम ए बी ए बी नाउ देर इज नो नीड फॉर अनदर ए राइमिंग और बी राइमिंग वर्ड सी डी सी डी देर इज नो नीड टू लुक फॉर वर्ड्स राइमिंग विद राइम सी मोर देन वन सिमिलरली गोज द सिस्टम सो इट फेलिसिटेटिव इट्स ने मदद करी राइटर्स को कि वो ज्यादा ना उनको सर्च करना पड़े ए से राइम करने वाले तीन और वर्ड की जगह एक और वर्ड करना है बी के तीन की जगह एक करना है इसी वजह से धीरे धीरे ये फॉर्म पॉपुलर एलिजाबेथन राइटर एज विटनेस मैनी राइटर्स राइटिंग एंड कंपोजिंग सोनेट्स और इसके साथ ही मैं आपको बताना जैसे यहां बताऊंगा कि सोनेट सिक्वेंस अ नंबर ऑफ सोनेट्स फिफ्टी टू हंड्रेड टू हंड्रेड सोनेट्स जो लिंक है एक दूसरे से बिकॉज दे शेयर वन सब्जेक्ट वो किसी एक टॉपिक पे और जनरली किसी रियल या इमेजनरी बिलोविट को वो एड्रेस किए हुए होते थे तो कुछ एग्जाम्पल हैं फिलिप सिडनी एस्ट्रफिल एंड स्टेला सैम्यूल डैनियल डैलिया एंड इमेजनरी मिस्ट्रेस माइकल ड्रेटन आइडिया अ फिलोसोफिकल सीरीज स्पेंसर एमरेटी टू हिज रियल बिलोड लेडी मैरी सो इट बिकम क्वाइट फैशन के जो भी अपने आप को एक रेप्यूटेड राइटर बनाना चाहता था ही और शी रोट आप सीक्वेंस ऑफ सोनेट नंबर ऑफ सोनेट 70 है कोई हंड्रेड सोनेट हंड्रेड एंड एट उसके अंदर फिर कॉम्प्लिकेशन ले कर वेराइटीज के अंदर हम देखेंगे नाउ मोस्ट ऑफ दीज एलिजाबेथन सोनेट्स इनका थीम सब्जेक्ट मैटर लव था इट वॉज मिल्टन आफ्टर हंड्रेड इयर्स ऑलमोस्ट ही यूटिलाइज वंस अगेन द ओरिजिनल पेट्रार्कियन फॉर्म बट मेन जो मिल्टन का कॉन्ट्रीब्यूशन सोनेट में जाएगा टू वाइडन द स्कोप वाइडन द सब्जेक्ट मैटर मिल्टन रोट अबाउट हिज पर्सनल लॉट वी नो दैट ही बिकेम ब्लाइंड एट Uh, midlife during his midlife at the age of forty and 42. We know that uh, he suffered from political political rivalry. We know that he has many revolutionary ideas. He used all these themes as subject matter for his sonnets. His famous sonnets like on his blindness which is about his personal loss, on the there are many political sonnets also. So, Milton is credited with making the sonnet a universal form. These sonnet writers were writing about uh, love and other things, but Milton make it an instrument which can be used for any purpose. During the Augustan period, which is called the Age of Prose and Reason, which is called एज ऑफ एनलाइटनमेंट विच इज एज वेयर राइटर्स वूसरे पर निशाना कर रहे थे सटायर को यूज कर रहे थे ऑब्वियसली सोनेट वॉज नॉट अ प्रिफर्ड फॉर्म तो सोनेट इतना डेवलप नहीं हुआ हेयर एंड देयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स ना इट वॉज रिवाइव्ड इन द लेट एटीन सेंचुरी विद द रिवाइवल ऑफ रोमसिज्म चाहे प्री रोमेंटिक पॉइट टॉमस ग्रे विलियम कूपर विलियम बाउल्सो और चाहे नाइनटीन सेंचुरी के अंदर हाई रोमांटिसिज्म के टाइम में वर्ड्स वर्थ और शैली हो दे ऑल यूज दिस फॉर्म सॉनेट कीट्स आल्सो कंटिन्यू टू बी रिटर्न बाय मेजर राइटर्स ड्यूरिंग इज हॉपकिंस रोसेटी एलिजाबेथ बेल ब्राउनिंग डब्ल्यू एच आर्डन जाफे हिल शामस हीनी देर आर सो हु हैव है दिस फॉर्म ये बताता है कि सोनेट इज अ वेरी पॉपुलर फॉर्म इट इट अपील्स टू बोथ द राइटर एंड द रीडर दैट इज व्हाई इवन इन द ट्वेंटी सेंचुरी ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी बहुत सारी लिबर्टीज भी ली गई हैं सोनेट की फॉर्म के साथ हम अभी डिस्कस करेंगे बट uh, सभी मेजर राइटर्स ने uh, सोनेट का यूज सोनेट फॉर्म का यूज किया है नाउ वी कम टू द सेकेंड सेक्शन ऑफ दिस वीडियो वेराइटीज ऑफ सोनेट टाइप में तो हमने देख लिया मेजर तो आप इसको पेट्रार्कियन और एलिजाबेथ देख सकते हो लेकिन देर आर मेनी अदर क्योंकि देर इज माइनर चेंज सो फॉर्म एंड स्ट्रक्चर जो सोनेट का है वो तो रिलेटिवली फोर्टीन लाइंस तो रहेंगी ही रहेंगी अब या तो वो ऑक्टिव और सेट में, में बटी हुई है या थ्री क्वार्टर और एक कपलेट में बटी हुई है बट सभी पॉइंट्स ने सभी मींस बहुत सारे पॉइंट्स ने एक्सपेरिमेंट करा कि हम किसी तरह से राइम स्कीम के अंदर कोई चेंज कर दें प्लेसिंग किस तरह से करनी है इनकी कपलेट और क्वार्टर और टर्सेट की उसके अंदर तो कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज को हम यहां पर देखते हैं सबसे कॉमन इनफैक्ट जिसको एक टाइप ही माना जाता है वो है स्पेंसेरियन सॉलिट स्पेंसेरियन एडमिन डिस्पेंसर के नाम से जाना जाता है तो उन्होंने क्या करा कि ही बेसिकली यूज्ड द इंग्लिश सोनेट स्ट्रक्चर इंग्लिश सोनेट स्ट्रक्चर कहता है फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस टू मतलब थ्री क्वार्टर एंड अ कंक्लूडिंग कपलेट तो स्ट्रक्चर तो यही रखा अब इसका जो राइम स्कीम अभी हमने देखा था वो क्या होता था तीनों जो क्वार्ट्रेन है वो एक दूसरे से सेपरेट होते थे बिकॉज ऑफ देयर राइम लेकिन स्पेंसर ने इनको इंटरलिंक कर दिया इंटरलिंक कैसे कर दिया जो यहां पर राइम थी मतलब फोर्थ लाइन ऑफ द फर्स्ट राइम्स विद द फर्स्ट लाइन ऑफ द सेकेंड क्वार्टर सिमिलरली फोर्थ लाइन ऑफ द सेकेंड क्वार्टरन राइम विद द फर्स्ट लाइन ऑफ द थर्ड क्वार्टर तो देखिए अगर ये पेट्रोर्न होता तब तो बी यहां पर होता ए बी बी ए बी बी ए उस स्ट्रक्चर की बजाय ए बी ए बी बी सी बी सी सी डी सी तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उस स्ट्रक्चर में पढ़ना तो ज्यादा बेटर है हम ये देखें कि दोनों क्वार्टर लिंक ये दोनों क्वार्टर लिंक तो ये जो लिंकिंग राइम स्कीम थी इसने एक वेरिएशन लेकर आए और स्पेंसेरियन फॉर्मेट बना ये स्पेंसर का जो फॉर्मेट था वो स्कॉटलैंड में उस समय में इतना पॉपुलर हुआ 16th और 17th सेंचुरी के टाइम में दैट समटाइम्स इट इज आल्सो रेफर टू एज स्कॉटिश सोनेट. नेक्स्ट कर्टल्स ऑन इट नाउ इट वाज इन्वेंटेड बाय जीएम हॉपकिंस जेराल्ड मैनले हॉपकिंस द फेमस विक्टोरियन पोएट Whose poetry was published इन 20th century कर्टल और कर्टेल्ड मींस व्हिच इज कट ऑफ जिसको शॉर्टन कर दिया गया अब्रिज कर दिया गया इट इज शॉर्टर देन द रेगुलर सोनेट टेन लाइन्स ऑफ पेंटामीटर, तो टेन लाइन्स तो चल रही है एंड फाइनल लाइन ऑफ अ सिंगल स्पॉन्डी मीन्स टू स्ट्रेस्ड सिलेबल तो ना तो राइम हम देखते हैं कि फोर्टीन लाइन्स है और ना ही जो राइम स्कीम मीटर है वो प्रॉपर फॉलो किया जाता है तो स्ट्रक्चर वाइज इट हैज सेटेट मीन्स तो टेड ऐसा लगता ही नहीं है इस तरह से चलती है तो क्या हो गया ये तीन और ये तीन मिलकर सेस्टेट बन गया और जो क्विंटेट या फाइव लाइन स्टेंजा होता है वो चलता है डीसीबी डीसी और डीबीसी डीसी और ये जो सी होता है, ये सी और जो होता है ये केवल एक फीट होता है इसको मुझे लगा कि आपको थोड़ा सा मैं बता दूं यहां पर फेमस उनका एग्जाम्पल ग्लोरी फॉर टू बी बी टू गॉड फॉर डेपर थिंग्स Brinded cow swim wings plough plough trim uh, I should okay trim strange how dim change him

दिस वेरिएशन ऑफ द सोनेट एक्सटेंड बियॉन्ड फोर्टीन लाइन मतलब कोडा एट सोनेट मतलब फोर्टीन लाइन के बाद कोडा जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है अ लाइन ऑफ आयिक ट्राईमीटर अ कपलेट ऑफ आएम्बिक पेंटामीटर तो किस तरह से 14 लाइंस तो आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर हैं। फिर उसके बाद एक लाइन आयम्बिक टेट्रामीटर में आती है और फिर दो लाइन आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर आती है इस तरह से ये एक टेल बनता है और ऐसे दो तीन चार टेल्स लगे हुए हो सकते हैं तो यहां तक तो जो राइम है वो आयम्बिक पेंटामीटर की सोनेट की जो चलती है वो चली रही है और यहां पर डी ई -E -E, ये जो डी है ये एक छोटी लाइन होती है ट्राईमीटर सिक्स इसके अंदर आपके सिलेबल होते हैं और वापस से बाद में ई e ई -E, दो इसके अंदर पेंटामीटर की लाइन होती है सनेट कॉरना ज्यादा यूज नहीं होने वाला है फिर भी एकेडमिक पर्पज से आपको पता होना चाहिए क्राउन ऑफ सोनेट्स इट इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ फिफ्टीन लिंक्ड सोनेट प्लस वन फिफ्टीन सोनेट इसके अंदर होते हैं लास्ट लाइन ऑफ़ द फर्स्ट सोनेट मतलब पहले सोनेट की जो लास्ट लाइन है बिकम्स द फर्स्ट लाइन ऑफ द नेक्स्ट इस सोनेट की लास्ट लाइन अगर एक्स एक्स है तो दूसरे सोनेट की फर्स्ट लाइन एक्स एक्स इसकी लास्ट लाइन वाई 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 है थर्ड सोनेट की फर्स्ट लाइन वाई, वाई 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 इसकी लास्ट लाइन जेड 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 है की फर्स्ट लाइन जेड 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 इस तरह से जब अपन यहां पहुंच जाते हैं फिफ्टीन सोनेट की जो लास्ट लाइन होती है, so, है, है मान लो ये थी ए ए ए ए और की भी लाइन क्या होती है ए ए सो इट इज मेकिंग लूप और क्राउन इस तरह से ये सारे सोनेट आपस में जुड़े हुए होते हैं दैट इज वाई इट इज कॉल्ड कोरोना अ क्राउन अ क्राउन क्राउन ऑफ नेक्स्ट है सोनेट रीडबल और हीरोइक इट इज एडवांस फॉर्म ऑफ सोनेट कोरोना उससे भी और आगे बात ले जाते हैं वो तो कॉमन होती है कि फाइनल लाइन ऑफ इच सोनेट बिकम्स द फर्स्ट लाइन ऑफ द नेक्स्ट सोनेट ये तो चल ही रहा था लेकिन जो फिफ्टींथ सोनेट है वो क्या हुआ होता है फर्स्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट फोर्टीन सोनेट जो एक से लेकर और फोर्टीन तक सोनेट्स लिखे हुए होते हैं हर सोनेट की पहली लाइन लेकर फिफ्टीन सोनेट को तो फिफ्टीन सोनेट की पहली लाइन पहले सोनेट की पहली लाइन फिफ्टीन सोनेट की दूसरी लाइन दूसरे सोनेट की पहली लाइन तीसरे सोनेट की पहली लाइन और इस तरह से फोर्टीन सोनेट की पहली लाइन तो इस तरह से चलते हुए रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रीवियस सोनेट फोर्टीन सोनेट लास्ट सोनेट को मास्टर सोनेट भी बोला जाता है अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर सम माइनर पॉपुलर फॉर्म्स आल्सो डायलॉग सोनेट व्हिच हैज टू स्पीकर जनरली सोनेट में स्पीकर एक ही होता है बट दे आर पेस्टोरल फॉर्म एंड क्लोज इन विच देर आर क्वाट्रेंट्स और इन क्वार्टरेंस के बीच में टर्ट्स तो फोर थ्री थ्री फोर दिस इज नोन एज एनक्लोज सोनेट रिवर्स सोनेट्स और सोनेटेसा इसके अंदर पहले आता है आपके असिस्टेड और बाद में आता है ऑक्टेवा फिर उसके बाद जॉर्ज मेरिडिथ मॉडर्न लव नाम से उन्होंने सीक्वेंस लिखा 16 लाइंस उसके अंदर एक सोनेट इज मेड अप ऑफ 16 लाइंस टेरिजरीमा सोनेट जिसके अंदर फोर टर्सेट थ्री क्वार्टर की हो फोर टर्सेट वन टू थ्री फोर एंड अ कपलेट और आइन स्कीम ए बी ए बी सी बी सी डी सी डीईडी फेमस एग्जाम्पल ओ टू वेस्टविंड इसका हर जो स्टैंड है वो एक टेरिजरेमा सोनेट है शायद आपने कभी इस ढंग से नहीं सोचा हो वैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी बहुत ब्यूटिफुल टेरिजरे सोनेट लिखा है तो दोस्तों आपने देखा कि कितने सारे वेरिएशन सोनेट फॉर्म के अंदर हमने देखे कितना कॉम्प्लिकेटेड और कितना पॉपुलर ये फॉर्म रहा है आई होप आई हैव बीन एबल टू प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद दिस फॉर्म प्लीज कीप वॉचिंग कीप सपोर्टिंग वी विल कम अप सम न्यू वीडियो ऑन न्यू टॉपिक्स थैंक यू डियर फ्रेंड्स